Dear students, today we are going to learn English 3.3 Eco-friendly celebrations. Eco-friendly means क्या होता है? जैसे eco-friendly माने जो पर्यावरण के लिए पूरक हो, नुकसान नहीं करे, पर्यावरण को कोई किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, ऐसा celebration. जैसे बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, इधर उधर बॉटल्स फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं और थर्माकोल्स के पैकेट्स वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं और पेड़ों को इधर उधर नुकसान कर देते हैं, तो ऐसा हमको सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए. उसी लिए ये इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन के लिए सजेस्ट किया गया है. ये एक लेटर है, आप देख रहे हैं, 25 सितंबर 2015 पुणे से लिखा गया है. डियर अथर्व, आई रिसीव योर लेटर. हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, इट्स रियली अमेजिंग दैट यू हैव सेलिब्रेटेड इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका. प्लीज राइट टू मी मोर अबाउट इट. आई रिसीव योर लेटर, उसको पत्र मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, उसे बधाई दी है, कांग्रेचुलेट किया है. इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है दैट यू हैव सेलिब्रेट इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका. आपने इको फ्रेंडली गणेश उत्सव अमेरिका में जो मनाया, उसके लिए बहुत सारी कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ. प्लीज़ राइट टू मी मोर अबाउट इट, मुझे भी कृपया इसके विषय में बताएँ. हियर We are also planning to celebrate an eco-friendly Diwali. कहता है हम लोग भी दिवाली eco-friendly मनाने की planning कर रहे हैं. Are you surprised? आपको आश्चर्य होगा. Yes, we are actually planning Diwali without crackers. Crackers means bomb वगैरह जो फोड़ते हैं, जिससे आवाज़ होता है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, इधर उधर आग लग जाती है, तो वो सबसे वो नहीं जलाने वाले हैं. We are actually planning Diwali without crackers. But of course, with delicious traditional snacks, mouth-watering chaklis, anarsas, karanjis and laddus. तो ये सब चीज़ें वो बना करके खाने वाले हैं, और करंजी वगैरह, चकलीज वगैरह और लड्डूज, traditional food. To make up For the crackers, we are going to make a beautiful paper lantern at home. To make up the crackers, we are going to make, माने इसके बजाय हम लोग बनाने जा रहे हैं beautiful paper lantern at home. घर पे एक paper का lantern बनाने जा रहे हैं. I am also going to make a model of Fort Raigarh, रायगढ़ किला, उसका एक मॉडल बनाने जा रहे हैं. आई एम कलेक्टिंग सम पिक्चर्स एंड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रायगढ़. तो वो लोग उसके विषय में जानकारियां जुटा रहे हैं कि रायगढ़ का किला कैसा है, किस तरह से बना है, उसका सिचुएशन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका लुक क्या है, वो सब चीज़ें वो खोज रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं. वेन Are you planning to come to India? जब आप इंडिया आने की प्लानिंग करेंगे, We are all waiting to meet you. हम सभी आपसे मिलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं. Remember bro, याद रखो भाई, We are not just cousin. हम लोग कजिन ही नहीं हैं, We are friend too. हम लोग फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं. I always love to read your letter, Atharva. I have heard lot about Thanksgiving and Halloween in the US. I am really curious to know more about them. Please do write to me. I always love to read your letters. मुझे आपका लेटर बहुत प्यारा लगता है पढ़ना. अथर्व, I have heard about Thanksgiving and मैंने सुना आपका मैंने दिया हुआ धन्यवाद. गिविंग टू हैलोवीन इन यू एस, हैलोवीन इन यू एस, आई एम रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम. मुझे जान करके बहुत खुशी हुई.
इच्छुक हैं हम लोग जानने के, प्लीज डू राइट टू मी, हमको लिखते रहिए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू काका एंड काकू, लव टू डियर ओजस। काका काकू को मेरा रिगार्ड्स, मेरा नमस्ते कहिएगा। लव टू डियर ओजस, और ओजस को बहुत सारा प्यार। योर्स लविंगली सर्वक, आपका प्यारा सर्वक। ये सब डायग्राम देख रहे हैं, ये सब जो भी चित्र इसमें दिए गए हैं, देखिए ये सब इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को कुछ नुकसान करने वाली नहीं है। जैसे लाइटिंग है, ये सब है, मिट्टी के दिए हैं, जलाए गए हैं, ये रायगढ़ का किला है दिखाया गया इधर, तो ये सब चीज़ें, लड्डूज है, चकलीज है, ये सब बनाया गया है, ये सब खाने के लिए वो लोग बना रहे हैं इको फ्रेंडली, दिवाली मनाने के लिए। नाउ वी आर कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, ये देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, विलक्षण, अनोखा। सेलिब्रेटेड माने मनाना, कोई त्यौहार मनाना, साजरा करना। क्रैकर्स पटाखे, पेपर लैटर कंदिल, जो हम कागज का बनाते हैं, बना करके दिवाली में लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेपर लैटर। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ईच पैराग्राफ ऑफ द लेटर, हर पैराग्राफ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इस लेटर का। देखो हम यहाँ चिन्ह लगा दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, गणेश उत्सव इन अमेरिका, यहाँ से आप लिख सकते हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेलिब्रेट फ्रेंडली दिवाली, इको फ्रेंडली दिवाली। थर्ड पैराग्राफ में, टू मेक ए ब्यूटिफुल पेपर लैंटर्न एट होम। फोर्थ पैराग्राफ में, वी आर नॉट जस्ट कजिन, वी आर फ्रेंड्स टू। यहाँ पर, हेलोवीन इन द US, आई एम रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो रिगार्ड्स है, धन्यवाद के लिए। तो इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर पैराग्राफ से ढूंढ करके उसको आपको लिखना है। लिस्ट द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट एनी फाइव एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दियर सेलिब्रेशन, आप क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, ऐसा पांच त्यौहारों का नाम लिखो, होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, गणेशोत्सव, ये सब त्यौहारों का नाम आपको लिखना है, उसकी क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर सेलिब्रेशन। जैसे मकर संक्रांति में हम क्या करते हैं, काइट फ्लाई करते हैं। गणेश उत्सव में हम लोग बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, गणेश की झांकियां निकालते हैं, और होली में कलर्स खेलते हैं, और दिवाली में प्रकाश का त्यौहार है, हम लोग उजाला करते हैं, लाइट्स जलाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा। क्विज द टीचर आई सून ऑन पेज 40, यू मे ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर क्विज। यहाँ पर 40 पेज पर जो दिया है, 40 पेज पर ये देखो, ये क्विज दिया है, ठीक है, ये देखो डिस्क्राइब करने के लिए, ये इसको आपको देखना है, और देख करके इसमें इसी तरह का ये दिया हुआ है, इसी तरह से आपको इसको फिल करना है। जैसे यहाँ पर हाउ डू वी से कैसे हम बुलाते हैं इन इंग्लिश, जैसे वही शब्द जो आप हिंदी में बुलाते हो, जैसे चपाती या और कुछ ऐसा लड्डू, जो चीज़ें हम हिंदी में जैसा बुलाते हैं वैसा इंग्लिश में भी बुलाते हैं, वो चीज़ें यहाँ लिखना है। हाउ डू वी से चपातीज इन इंग्लिश, चपाती बुलाते हैं, लड्डू बुलाते हैं, ऐसा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, यहाँ लिखना है ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। यहाँ लिखना है व्हाट्स द अपोजिट ऑफ आउट इन, व्हाट द अपोजिट ऑफ आउट लिख दो, इन लिख दो, डे लिख दो, नाइट, ऐसा लिख दो। यू यूज हैंडसम, यहाँ पर हो हैंडसम विथ एंड बॉय,
वी यूज हैंडसम विथ एंड यहां लिखो बॉय, ठीक है, स्मार्ट बॉय, यहां लिखो विथ विदाउट, ब्यूटीफुल मीन्स वेरी प्रेटी, हैंडसम एंड हैंडसम मीन्स स्मार्ट, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ लिखो मीना इज ए ब्यूटीफुल एंड राजू इज ए हैंडसम, समझ सकते हैं। आगे आगे देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग, विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन ए लार्ज स्केल, कौन सा त्यौहार हम लोग बड़े पैमाने पर मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, ये सारे त्यौहार आपको मालूम है, गणेश उत्सव हम लोग 10-10 दिन तक मनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, उसको डिस्कस करना है। चूज एनी वन फेस्टिवल एंड डिसाइड विच पार्ट ऑफ द फेस्टिवल आर इको फ्रेंडली एंड विच आर नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है, पेज 63 अभी आगे आएगा तो हम सब बताएंगे आपको। तो उसमें से कोई भी ऐसा वन फेस्टिवल, एनी वन फेस्टिवल डिसाइड पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कैसे हम मनाएंगे, नेचुरल कलर्स यूज करेंगे, जैसे होली है, आगे है दिया, हम समझाते हैं आपको, और उसमें कैसे कैसे यूज करते हैं। व्हाट कैन वी डू द सेलिब्रेट फेस्टिवल इन एन इको फ्रेंडली वे, व्हाट कैन वी डू, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल जो कि इको फ्रेंडली तरीके से। तो हमको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का नुकसान न हो, इस प्रकार से त्यौहार मनाना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट नेचर, माने नेचुरल थिंग्स को कोई नुकसान न हो, जैसे हम पटाखे छुड़ाते हैं तो जो बीमार लोग रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, तो इस तरह से हम इको फ्रेंडली अगर मनाएंगे तो हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। थिंक ऑफ ए मॉडर्न फेस्टिवल एनी न्यू वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, कोई ऐसा त्यौहार जो न्यू वेज से हम मनाएं और जो इको फ्रेंडली हो। एग्जाम्पल जैसे ए रीडिंग फेस्टिवल, रीडिंग फेस्टिवल में हम क्या करेंगे, बुक रीड करेंगे, रीडिंग करते समय उसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। उसी तरह से हम ड्राइंग कंपटीशन, रंगोली स्पर्धा, इस तरह से कबड्डी फेस्टिवल या इस तरह से कोई खेल बनाएं जिसमें नुकसान न हो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी आर गोइंग टू मेक ए ब्यूटीफुल पेपर लैंटर्न एट होम, हम लोग एक सुंदर पेपर का लैंटर्न बनाने जा रहे हैं एट होम। वी आर गोइंग टू माने ऐसा हम करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़, मैं गोइंग टू मेक जा रहा हूँ बनाने मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़, रायगढ़ किले की फोटो, या आप इसको और भी बना सकते हैं, वी आर गोइंग टू मेक ए ब्यूटीफुल पैराट एट होम फ्रॉम पेपर, अ ब्यूटीफुल कुछ भी आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ब्यूटीफुल कप, ब्यूटीफुल कुछ भी बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़, आई एम गोइंग टू मेक लैंटर्न, पेपर लैंटर्न, आई एम गोइंग टू मेक सम रंगोलीज, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नोट दैट द फ्रेज इज वी आर गोइंग टू, ये फ्रेज है वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, सो फ्यूचर प्लान्स, और उसमें अपना फ्यूचर प्लान क्या करने वाले बताओ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली, ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। आवर टीचर इज गोइंग टू टीच अस साइंस लेसन टू, आवर टीचर इज गोइंग टू टेल अस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट टू, ऐसा लिख सकते हैं। माई फादर इज गोइंग टू बॉट ए न्यू बाइक, माई फादर इज गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक, बाई ए न्यू साइकिल, बाई ए न्यू बुक्स, ऐसा लिख सकते हैं। माई ग्रैंड फादर इज गोइंग टू
टेल अस ओल्ड स्टोरी, माय ग्रैंडफादर इज गोइंग टू टेल अस ए ओल्ड स्टोरी। इस तरह से आप भर सकते हैं इसको पूरा करने के लिए। अभी देखिए ये, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कजिन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट यूज करके आपको अपने कजिन्स को एक लेटर लिखना है। फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ आप डेट लिख सकते हैं, प्लेस कहाँ से लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड गणेश, जैसे मैंने गणेश लिखा है, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखो, ठीक है। हाय हेलो, थैंक फॉर योर लेटर, आई रिसीव योर लेटर, इट वॉज नाइस टू नो दैट यू आर फ्री फ्रॉम योर क्लास नाउ। अभी आप क्लास से छुट्टी मिली है, छुट्टी चल रही है। आई वॉज सॉरी टू हियर दैट मीना इज नॉट सक्सीड इन MPSC एग्जाम। ठीक है, ऐसा पढ़ सकते हो, लिख सकते, भर सकते हो। प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज हर नेक्स्ट प्लान। आई एम या वी आर प्लानिंग टू विजिट शिरडी टेम्पल, हम लोग शिरडी टेम्पल देखने जाने वाले हैं। आई एम वी आर ऑल्सो गोइंग टू त्र्यंबकेश्वर इन नासिक। यू नो माई फ्रेंड्स नेम यहाँ लिखो, योगेश वर्षा या कुछ भी, जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो लिख देना है, आपके तीन चार फ्रेंड का नाम लिख देना है। ही सी दे आर गोइंग टू मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कुछ भी। वेन यू कम हीयर वी विल अजंता एंड एलोरा केव्स एट वेरूल। When you come here, we will go Ajanta and Ellora caves at Verul. How are Papa and Mummy? Give my regards to them and love to Vijaya. यानी कुछ भी, जो छोटी बहन है ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप, किसी का भी नाम डाल सकते हो। Yours lovingly Saurabh, या जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखो, इको फ्रेंडली मीन्स नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। व्हेन समथिंग इज इको फ्रेंडली इट इज गुड फॉर द अर्थ, फॉर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। इट डज नॉट पलूट आर डैमेज एयर वाटर सॉयल एंड लैंड। इको फ्रेंडली का मतलब होता है इट मीन्स नॉट हार्मफुल, नुकसानदायक नहीं, टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए। वेन समथिंग इज इको फ्रेंडली, अगर कोई चीज इको फ्रेंडली है, इट इज गुड फॉर अर्थ, वो हमारी अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फॉर ह्यूमन बींग्स आदमियों के लिए एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स सभी जीवधारियों के लिए, ऑन अर्थ जो पृथ्वी पर रहते हैं। इट डज नॉट पलूट आर डैमेज एयर, उससे किसी प्रकार का पलूशन नहीं होता, न तो कोई नुकसान होता है एयर हवा का, वाटर पानी का, सॉयल मिट्टी का, लैंड जमीन का, कोई भी नुकसान नहीं होता है, उसी को हम इको फ्रेंडली बोलते हैं। इन व्हाट वेज कैन यू डू समथिंग दैट इज इको फ्रेंडली, हाउ कैन यू बी एन इको फ्रेंडली पर्सन योर सेल्फ। टू बी इको फ्रेंडली यू यूज रिसोर्सेज लाइक फूड वाटर इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली विदाउट वॉशिंग देम, विदाउट वेस्टिंग देम। यू अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स एंड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक। यू हेल्प टू ग्रो मोर ट्रीज एंड केयर फॉर द एनिमल इन योर नेबरहुड। माने इन व्हाट वेज यू कैन डू समथिंग दैट इज इको, किस तरह से आप इको फ्रेंडली कर सकते हो काम। यू हाउ कैन यू बी एन इको फ्रेंडली, कैसे बन सकते हो इको फ्रेंडली पर्सन, पर्यावरण पूरक मनुष्य, योर सेल्फ अपने को बना सकते हो। टू बी इको फ्रेंडली यू यूज रिसोर्सेज लाइक फूड, जो भी रिसोर्स हमारे हैं जैसे खाना पीना है, वाटर है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको केयरफुली हम इस्तेमाल करें, बहुत संभाल करें, विदाउट वेस्टिंग देम, उनको वेस्ट न करें। यू अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स,
टॉक्सिक केमिकल जो खतरनाक केमिकल्स हैं रसायन से उसका उपयोग न करें, अवॉइड करें। एंड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक है इधर उधर खा के बहुत सारे लोग रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं, उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। यू हेल्प टू ग्रो मोर ट्रीज, और अधिक वृक्ष लगाने मदद करें। एंड केयर फॉर द एनिमल एंड इन योर नेबरहुड, अपने आसपास के जानवरों के जंगलों की, पानी की, जमीन की, भूमि की रक्षा करें। नेक्स्ट, सेलिब्रेट होली विथ नेचुरल कलर्स, होली को कैसे हम नेचुरल कलर से इको फ्रेंडली मना सकते हैं। देखिए, ग्रेट ए कपल ऑफ मीडियम साइज्ड बीट रूट एंड सोक देम इन द लिटिल वाटर। बीट रूट आप जानते हो, चुकंदर, उसको सोक करो, सोक करके थोड़ा पानी मिला दो। आफ्टर ए वाइल यू विल गेट ए ब्यूटीफुल डार्क पिंक रेड कलर, उससे आपको एक डार्क फुल रेड कलर मिल जाएगा। तो वो फ्रूट से बना हुआ है, वो इको फ्रेंडली है, किसी को चेहरे पे लगाओगे कहीं भी तो नुकसान भी नहीं करेगा। एंड इट टू बी बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी कलर उसे हम बना सकते हैं। कीप द पेटल्स ऑफ द पलास, पलास जानते हो गांव में मिलता है, ढाक उसको बोलते हैं, उसका पेटल्स लेना है, उसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में चले जाओ तो उसका फूल लाल लाल दिखता है एकदम आग के जैसा। फ्लावर्स इन वाटर फॉर ए फ्यू आवर्स, उस फ्लावर को तोड़ के पानी में कुछ समय के लिए, फिर कुछ घंटों के लिए रखो। यू विल गेट ए वेरी प्रेटी ऑरेंज कलर, बहुत सुंदर ऑरेंज कलर। तो उस प्रकार से हम उस फ्लावर से बहुत अच्छा ऑरेंज कलर प्राप्त कर सकते हैं। द रेड जासवंदी हिबिस्कस फ्लावर विल गिव ए डीप रेड कलर, डीप रेड कलर उसे हमको मिलता है। ड्राई द पेटल्स ऑफ झेंडू मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, फ्लावर इन साइड, उसको छाया में सुखा लो। देन यू कैन पाउडर देम, उसको पीस के पाउडर बना लो। टू गेट ए ड्राई कलर पाउडर, उसे सूखा कलर ड्राई मिल जाएगा आपको। यू कैन ऐड दिस पाउडर टू वाटर टू गेट वेट कलर, से आपको बहुत बढ़िया कलर मिलेगा। ड्राई द लीव्स ऑफ नीम, मिंट, कोरिएंडर, स्पिंच एक्स्ट्रा इन साइड एंड गेट ड्राई ग्रीन पाउडर, उससे ये सब का, नीम का, मिंट का, कोरिएंडर का, स्पिंच जो देखते हो पालक वगैरह, सब सूखा करके उसका पाउडर बना लें। इफ़ यू क्रश आर ग्राइंड द फ्रेश ग्रीन, धनिया होता है, धनिया ने, मिंट, धनिया, उसको भी हम सूखा करके ड्राई कलर प्राप्त कर सकते हैं, ग्रीन कलर। लीव्स यू गेट ए ग्रीन पेस्ट, उससे ग्रीन पेस्ट बना सकते हैं जो कि चेहरे पर लगा सकते हैं। इफ़ यू ऐड द पेस्ट टू वाटर यू गेट ग्रीन वाटर, तो उससे आपको ग्रीन वाटर मिलेगा, उसमें आप पानी में डालोगे तो ग्रीन वाटर एकदम हो जाएगा, वो कलर हम ग्रीन कलर करके यूज कर सकते हैं होली के लिए। टॉक टू योर मदर टू फाइंड आउट व्हाट अदर थिंग्स इन द किचन कैन गिव यू सेफ नेचुरल कलर्स। टॉक टू योर मदर, अपनी माँ से बात करो, टू फाइंड आउट व्हाट अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे किचन में रहती हैं, मम्मी से बात करके आप उसका कलर बना सकते हो। इन द किचन कैन गिव यू सेफ नेचुरल कलर्स, और उसे सेफ और नेचुरल कलर्स बना सकते हो और होली में किसी को भी लगा सकते हो। वो उसको इस तरह से त्योहारों को हम मनाएं तो उसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। केमिकल्स का यूज न करें, केमिकल्स बहुत हानिकारक होते हैं, चेहरे वगैरह पर लग जाते हैं तो चेहरे जल जाते हैं, उनकी चमड़ियाँ खराब हो जाती हैं, जिसकी हमको बहुत सारी दवाई करनी पड़ती है। उसी तरह दिवाली में भी पटाखों से बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में तुम पढ़ते होगे कि वो उसका हाथ जल गया, उसका पाँव जल गया, अरे डेथ तक की बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह की खबरें न आएँ और हम हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं और इको फ्रेंडली करें। थैंक यू।